Hello friend, this is Akash Kumari standing in front of you. I welcome you on our YouTube channel Success Dilse. Today I am going to share the first chapter of science of class 9. आज हम साइंस के चैप्टर साइंस फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे क्लास 9 के. तो जैसे कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ हमारे आसपास के पदार्थ, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि गाइस ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है. तो फर्स्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि लिखा हुआ है कि हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर का नेम है. तो चैप्टर का नेम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है. अगर पदार्थ को डिफाइन करा जाए तो रासायनिक और भौतिक विज्ञान के तहत पदार्थ उसे कहेंगे जो जगहगिरी और जिसका कोई द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं. सो गाइस, पदार्थ हमारा, और हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पदार्थ हमारे आसपास की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वो सब पदार्थ है. चाहे वो ये बोर्ड हो, चाहे मार्कर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई बेंच हो, चाहे कुछ भी हो. सो ये कहा गया था, ये हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है एज पर योर एनसीईआरटी बुक. आगे बढ़ते हैं. तो पंचतत्व, पंचतत्व जैसे कि हमारी पांच इंद्रियां हैं, जैसे कि हमारे पांच वॉल्स हैं, सो इसी प्रकार पांच तत्व हैं जिनसे ये सारा का सारे जितनी भी वस्तुएं बनी हुई है, इन पंच तत्वों का अस्तित्व उन वस्तुओं में पाया जाता है. ये पंच तत्व कौन से हैं, आइए देखें. वायु, जल, अग्नि, भूमि और आकाश. ये आकाश मैं नहीं, आकाश ये ऊपर वाला आकाश. तो ये सभी चीजों का अस्तित्व हम एक पदार्थ के अंदर देखते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. जैसे कि 1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है. इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि पदार्थ कणों से बना होता है और पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं. पहले बात करते हैं पदार्थ के कण. इस टॉपिक में आप लोगों को बुक के अंदर दो विचारधारा दे रखी है. एक विचारधारा ये कहती है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, और दूसरी विचारधारा ये कहती है कि पदार्थ के कण रेत की तरह होते हैं. सो गाइस, उसको निर्धारण करने के लिए हमने एक क्रियाकलाप किया, आपकी बुक में दिया गया है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो क्रियाकलाप. क्रियाकलाप से ये पता चला हमें कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो रेत के कणों की तरह ही होते हैं. ठीक है, अब बात आती है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं. तो गाइस, मेरे को नहीं लगता, मेरे को आप लोगों को बताने की जरूरत है कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं जिनको हम विभाजित भी नहीं कर सकते. नेक्स्ट टॉपिक हमारा पदार्थ का विलक्षणिक गुण. मतलब इससे ये समझ लो कि मतलब हमारे पदार्थ के क्या क्या नेचर है, क्या गुण है उसका क्या. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि पदार्थ के विलक्षणिक गुण, तीन गुण दे रखे हैं हमारे यहाँ बुक में. पहला गुण क्या है, निष्ठा. की बात करें तो आपने देखा होगा हम नींबू पानी का घोल बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं. तो इसमें क्या होता है, आपस में चीजें मिल जाती हैं. वो क्यों मिल जाती है कभी सोचा है, क्योंकि उनके उन पदार्थों के बीच में रिक्तस्थान पाया जाता है जिससे दूसरे पदार्थ के कण उसके अंदर समावेश हो जाते हैं. सो रिक्तस्थान समझ गए आप लोग. नेक्स्ट बात करते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं. इससे क्या समझे हम, ये दूसरा टॉपिक है हमारा निरंतर गतिशील होते हैं. पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये किस कारण होता है, ये गतिज ऊर्जा के कारण होता है. आप लोग ये सोच रहे हो कि गतिज ऊर्जा क्या होती है. गतिज ऊर्जा गाइस, जब हम टेम्परेचर या तापमान को हम बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कणों में एक गति उत्पन्न होती है, और जो उस गति के कारण ऊर्जा पैदा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं. सो गाइस, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं. सो किस कारण होते हैं वो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट इस टॉपिक में एक और वर्ड आया था, विसरण. गाइस क्या होता है, दो विभिन्न पदार्थों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है.
ये चीज आप ब्रिटिस्तान से भी जोड़ सकते हो, जो मैंने इसमें एग्जांपल दिया था कि हम किसी चीज का घोल बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सो गाइस, आप ये भी कह सकते हो कि रेगिस्तान इसके ऊपर डिपेंड है, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल लगा रहता है जो पदार्थों के कण को आपस में अटैक करता है, मतलब एक आकर्षण बल होता है पदार्थों के कणों के बीच में। तो ये कैसे मैंने बोला कि ये चीज पे डिपेंड है, तो ये कैसे डिपेंड है, अगर आकर्षण बल ज्यादा हुआ तो हमारा रेगिस्तान क्या होगा, कम होगा। अगर आकर्षण बल कोई नहीं, अगर कोई अट्रैक्शन नहीं है तो कण दूर दूर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारा रेगिस्तान बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। सो पदार्थ की अवस्थाएं छह प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब आप लोग ये सोच रहे हो तीन लिए तीन का है। सो गाइस, तीन तीन जो अलग से अवस्थाएं होती है वो होती है प्लाज्मा, जलीय और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन मुख्य मुख्य रूप से तीन ही अवस्थाएं होती है जिन्हें हमें पढ़ने की जरूरत है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। आगे पार्ट वन यही एंड करते हैं, पार्ट टू में फर्दर इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, और आगे के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक रह गए हैं उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव योर सपोर्ट, गिव योर लव एंड थैंक यू, गुड लक।